कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में देर रात को कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। देर रात अस्पताल के ऑर्थोपेडिक आईसीयू वार्ड में बदमाशों ने एक छात्र पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। ये विवाद बेडशीट को लेकर सामने आया है। घायल का अस्पताल में ही उपचार जारी है। घायल छात्र सिद्धार्थ शर्मा ने बताया कि वो जवाहर नगर इलाके का रहने वाला है। उसके पिता का 6 जुलाई को अंटाघर चौराहे पर एक्सीडेंट हो गया था। सिद्धार्थ के पिता भी अस्पताल में ही भर्ती है। ऐसे में छात्र और उसकी मां अस्पताल में मौजूद थे और इसी दौरान उसी वार्ड में एक महिला मरीज के परिचितों से बेडशीट को लेकर मामूली कहासुनी हो गई। इसी बीच बदमाशों ने चाकू निकालकर छात्र पर हमला कर दिया और उसे घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए। एक छोटी सी बेडशीट को लेकर मेरी मम्मी में और जो सामने जो पेशेंट थी उनकी कोई रिलेटिव थी, तो उनमें बहस चल रही थी। तो उतने में जो उनके जो दूसरे रिलेटिव्स हैं जो लड़के थे, उन्होंने मम्मी से गाली गलौज कर दी। तो मैं उनको समझाने गया कि भैया ये क्या तरीका है बोलने का। उतने में उन्होंने आके सारे के सारे मेरे ऊपर झूक गए और चाकू मार के चले गया। वो कितने लोग थे? वो दो तो लेडीज थी, दो लड़के थे, बाकी जो पीछे से वो मेरे को ध्यान नहीं है। तो लेडीज भी भाग गई? नहीं, लेडीज यही थी। वो यहाँ पे कैसे थे? कोई मिलने वाले परिजन भर्ती थे उनके? हाँ, मतलब कोई ओल्ड लेडी थी। अचानक हुए इस घटनाक्रम से पूरे अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद नयापुरा थाना पुलिस जाप्ता सहित मौके पर पहुंचा और मामले की जानकारी ली। वहीं घायल के परिजनों की तरफ से थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि आखिरकार अस्पताल में मौजूद सुरक्षा गार्ड और पुलिस देर रात को ऐसा क्या कर रही थी कि इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया और किसी को पता तक नहीं चला। ऐसे में अब अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था भी भगवान भरोसे ही लग रही है। पंजाब सीटीवी के लिए कोटा से योगेंद्र महावर की रिपोर्ट।